के बारे में, हमने अभी तक प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस कर लिया कि प्रोजेक्टाइल आपका क्या होता है और ट्रेजेक्टरी क्या होती है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, क्या बताया था मैं, क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। कोई भी बॉडी को जब आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आप फेंकते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो बॉडी क्या करने लगती है, अंडर ग्रेविटी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और जो बॉडी नीचे गिर रही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, पहली बात। दूसरी, वो जो बॉडी नीचे गिर रही होती है, ना ही हम उसको क्या देते हैं, कोई फ्यूल देते हैं, ना ही उसके अंदर कोई इंजन लगाया होता है, वो अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल। और जिस पाथ को वो बॉडी फॉलो करती है, जिस पाथ को वो बॉडी नीचे गिरते हुए पाथ को फॉलो करती है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। हमने फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। कोई प्रोजेक्टाइल है उसको हमने क्या दिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दी है। इसका भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। क्या बताया था मैंने आपको, देखिए मैंने बोला था ये आपका ग्राउंड है, ये जो है आपका, ये क्या है आपका, ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल पैरेलल में एक क्या है, ओ एक्स एक पैरेलल लाइन है, और ओ वाई आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ वाई आपकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये मैंने पैरेलल लाइन क्यों बनाई थी, मैंने ये सोच बोला था आप कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपके हाथ में बॉल हो सकती है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस बॉडी को आप हॉरिजेंटली कुछ यू वेलोसिटी के साथ आप क्या करते हो, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकते हो। जब कोई बॉडी को आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फेंकोगे तो वो कुछ इस तरह से नीचे गिरेगी ऐसे करके। मान लीजिए जो बॉडी नीचे गिरती है ओ पॉइंट से चलती हुई कहाँ आके गिरती है, सी पॉइंट के ऊपर आके गिरती है, तो कहाँ स्ट्राइक किया, आके सी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक। ये सारी थ्योरी कल मैंने आपको बताई थी। क्या किया, कंसीडर किया हमने OX एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, टू द ग्राउंड, एंड OY क्या है आपकी, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। लेट ए प्रोजेक्टर इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू, फिर उसके बाद इट विल फॉलो, ये क्या फॉलो करेगी, ओसी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगी। ट्रेजेक्टरी क्या, जो प्रोजेक्टाइल को क्या करता है, पाथ को फॉलो करता है, ओसी ट्रेजेक्टरी को इसने क्या किया, फॉलो किया। कल मैंने आपको दो इक्वेशंस भी बताई थी, ये दो इक्वेशन, एक कौन सी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस वन अपन टू ए एक्स टी स्क्वायर, दूसरी कौन सी बताई थी, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन अपन टू ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई चीज आपकी एक्स एक्सिस की तरफ चल रही हो, ये किसके लिए यूज करते हैं, जब कोई इक्वेशन कोई आपकी बॉडी किस तरफ चल रही हो, वाई एक्सिस की तरफ चल रही हो, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी हो। ये तो वही इक्वेशन है, ये वाली वही इक्वेशन है, ये हो एस इक्वल टू यू टी प्लस वन अपन टू ए टी स्क्वायर, उसी के हिसाब से ये इक्वेशन आई हुई है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस की तरफ और वाई एक्सिस की तरफ, उसी के हिसाब से हमने क्या किया, इसको अरेंज किया, ठीक है, ओके। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है आज का। मैंने क्या एक दो चीजें और बताई हुई आपको, एक क्या होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरी होती है वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू के साथ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, रिमेन कॉन्स्टेंट, मैंने बताया था कल भी आपको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, प्रोवाइडेड अगर एयर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस हम क्या कर दें, निगलेक्ट कर दें। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है टाइम के साथ, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। जैसे कोई बॉडी आप ऊपर से नीचे छोड़ देते हो तो वो नीचे गिरती जाती है, गिरती जाती है, वेलोसिटी उसकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्यों, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज होती जाती है, यानी कि इंक्रीज होती जाती है, यानी कि बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है इन केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। ये बातें मैंने सारी कल आपके साथ डिस्कस कर ली थी, ठीक है। और ये भी बात मैंने आपको लास्ट में बताई थी, ड्यूरिंग द मोशन ऑब्जेक्ट कवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल डिस्टेंस ड्यू टू वर्टिकल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो चल रहा होता है ऐसे करके नीचे गिर रहा है, तो वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी उस वर्टिकल वेलोसिटी के साथ कारण वो नीचे गिर रहा होगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करवा रही होगी बॉडी को, तभी वो चलना इधर से शुरू हुई और गिरी है यहाँ पे आके। तो मतलब कि उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से, और वर्टिकल डिस्टेंस किसकी वजह से, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। तो पहला इसके अंदर जो सब हेडिंग आती है वो क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल आपका चल रहा है उसने कौन से पाथ को फॉलो किया है, तो पहले वो समझेंगे हम। यहाँ पे कुछ हमने कौन सी पाथ की बात करी हो, तो मतलब कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है,
यहाँ पे पहली बात है, यहाँ पे दो किस्म के पाथ बनेंगे। बॉडी आपकी इस तरफ भी चल रही है और नीचे की तरफ भी आ रही है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी पाथ होगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी पाथ होगा। ठीक है, एक बार मैं देखूं रिकॉर्डिंग ऑन की है। हाँ की है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग भी पाथ होगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी पाथ होगा। जहां एक्स एक्सिस के अलोंग हम कौन सा पाथ बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल पाथ बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ। देखो ये देखिए किस तरफ, यानी कि किसके अलोंग होगा? ओ एक्स के अलोंग। किसके अलोंग? ओ एक्स के अलोंग। और वर्टिकल पाथ किसके अलोंग होगा? ओ वाई के अलोंग। ओ एक्स के अलोंग यानी कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो मतलब कि मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी? आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस वन अपन टू। ए टी स्क्वायर होता है पर एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए ए एक्स इंटू टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे सारी वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वैल्यूज मुझे यूज करनी है। x तो हो गया जो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। x नॉट क्या है? मतलब कि इनिशियल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया था। इनिशियली वो चली नहीं थी, अपनी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी वो बॉडी, तो x नॉट कितना हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। जब बॉडी को आपने फेंका, जब आपने कोई बॉडी को फेंका तो उसको कुछ वेलोसिटी दी ना बॉडी को, आपने कुछ वेलोसिटी दी उस बॉडी को। कितनी वेलोसिटी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी आपने? यू वेलोसिटी दी थी। तो यानी कि यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू हो जाएगी। आपने जो बॉडी को, हमने कंसीडर यही किया है, जब कोई बॉडी को आप क्या करते हो? थ्रो करते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हो उसको। कंसीडर यही किया है, देख लो एक बार, हमने वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। ध्यान देना, कंसीडर ए बॉडी कहां पे लिखा था हमने, देखो यहां पे लिखा था कंसीडर ओ एक्स से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सारी बातें हमने कंसीडर की। फिर हमने बोला लेट ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक प्रोजेक्टाइल को आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी यू, हॉरिजॉन्टली फेंका, यानी कि उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि यू एक्स कितना आ जाएगा आपका? यू आ जाएगा, क्योंकि उसको यू वेलोसिटी के साथ फेंका हमने। और मैंने आपको बताया था कोई भी बॉडी जब वो हॉरिजॉन्टली चल रही हो, हॉरिजॉन्टल जब उसका मोशन हो तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलती है। अभी बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी? जीरो हो जाएगी। कौन से केस में? हॉरिजॉन्टल के केस में। यानी कि ए एक्स कितना आ जाएगा हमारा? जीरो आ जाएगा। एक्सेलरेशन होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी होती है? यूनिफॉर्म, यानी कि चेंज ही नहीं होगी। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, यानी कि ए एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारी? जीरो हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज पता चल गई ना, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, रिपीट कर दो। फिर मैंने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देना यहाँ पे, और एक्स नॉट जीरो है तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल्स टू जीरो प्लस यू एक्स की जगह यू आ जाएगा, टी की जगह टी आ जाएगा, प्लस वन अपन टू ए एक्स कितना हमारा? जीरो है, इंटू क्या है? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। जीरो के साथ सारी टर्म ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और ये भी टर्म क्या हो चुकी है हमारी? जीरो हो चुकी है। बचा हमारे पास क्या? सिर्फ एक्स इक्वल्स टू यू टी, ये बचा हमारे पास। और टी हमारे पास, जहां से हम टी भी निकाल सकते हैं, टी क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स अपॉन यू हो जाएगा। क्या ये बातें समझ आई सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आगे चल रहा हूं, तब तक अगर क्लियर है तो यस बोल दो, अगर डाउट है तो बोलो डी। एज ए मोशन अलोंग ओ वाई, ओ वाई के अलोंग, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, मोशन अलोंग ओ वाई यानी कि वर्टिकल मोशन किसका? प्रोजेक्टाइल का। वर्टिकल पाथ निकालना है, पाथ निकाल रहे हम, तो यानी कि वर्टिकल पाथ। यस सर ओके। वर्टिकल पाथ निकालने के लिए हमें यानी कि वाई की सहारा लेना पड़ेगा, तो कौन सी क्वेश्चन यूज होगी? वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन अपॉन ए टी स्क्वायर होता तो क्या आएगा? ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल की बात हो रही है। फिर से वही बात, y नॉट हमारा क्या आएगा? जीरो, क्योंकि वो उसने कोई पाथ ही नहीं ट्रेवल किया था। इनिशियल वाला पाथ क्या होगा? जीरो। यू वाई, मैंने बोला था बॉडी प्रोजेक्टाइल को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वर्टिकल वेलोसिटी तो दी ही नहीं थी, तो यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू वाई क्या होगा? जीरो। और यू एक्स जीरो नहीं होता, क्या होगा? यू होगा, क्योंकि उसको हमने क्या दिया था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी इनिशियली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी थी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी हमारी? यू हो, जीरो होगी, यानी कि यू वाई कितना हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है,
और वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालनी है। मैंने बताया था बॉडी नीचे गिरती जाती है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, यानी कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए हमें कौन सी एक्सेलरेशन मिलेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको किसके साथ लिखते हैं? स्मॉल जी के साथ लिखते हैं। तो ए वाई कितना हो जाएगा आपका? जी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बार एक्स जीरो होता है, ए वाई जीरो नहीं होता। इन चीजों की बार बार प्रैक्टिस होगी, इनको कॉन्सेप्ट को समझो, तभी इन चीजों को कर पाओगे। बहुत ईजी है, सारी की सारी वैल्यू पुटिंग मेथड है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सी जीरो चीज जीरो होगी, कौन सी नहीं होगी, और उनके लॉजिक भी मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करना है आज। y नॉट कितना हमारा? जीरो। यू वाई कितना है? जीरो इंटू टी हो जाएगा, प्लस वन अपॉन टू ए वाई कितना हमारा? जी है, और इंटू क्या है? टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या हमारे पास? वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। और टी की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, कितनी थी? एक्स अपॉन यू थी। तो टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स अपॉन यू भी लिख सकता हूँ। वन अपॉन टू जी एक्स अपॉन यू का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज वाई इक्वल्स टू हमारे पास आएगा वन अपॉन टू जी अपॉन यू इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। देखिए यहां पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जो कि यूनिफॉर्म रहेगी। और एक्स क्या है आपका? पाथ किसके, यानी कि जो वाई है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्स स्क्वायर के। बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, आपकी ये वैल्यू कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट होता है। तो इन सारी चीजों को मैं एक कांस्टेंट के साथ लिख दूंगा, तो क्या लिख दूंगा? वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। और के की वैल्यू क्या है आपकी? उधर यू स्क्वायर भी आना था, ठीक है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ यू स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये के क्या है बेसिकली? वेयर के क्या है आपका? के आपका है 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर, यहां भी लिखा भी हुआ है। तो हमारा जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ x के ऊपर, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होती है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता होगा, जो मैथ का, जिनको मैथ है, इस इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करोगे, इसकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी, इस ग्राफ इस तरह से बनेगा इसका। और ये क्या है आपका होता है? इसको बोलते हैं हम पैराबोला। जिनका मैथमेटिक होगा 11th में, उनको पता होगा, उन्होंने पढ़ा होगा पैराबोला के बारे में। पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब पढ़े होंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सब पढ़े होंगे। तो ये इक्वेशन किसकी है? मैथ वाले बताएंगे किसकी होती है? पैराबोला की। किस दिन टाइम लगेगा, मैं इन चीजों को ग्राफिकली आपको चीजें बताऊंगा। बाय द वे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर एक इक्वेशन दूसरे के ऊपर स्क्वायर के हिसाब से डिपेंड करती हो, जैसे एक्स स्क्वायर, तो यानी कि ये किसकी इक्वेशन होती है आपकी? पैराबोला की। तो यहाँ पे लिखा हो सिंस अबव इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किस कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है किसके अबाउट? वाई एक्सिस के। इसके अक्रॉस क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। सो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। इस चीज को आपने याद रखना है। पूछते हैं क्वेश्चन, क्या पूछते हैं? कि कैसा पाथ ट्रेवल करती है बॉडी? तो कैसा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। किस इक्वेशन से पता चला? इस इक्वेशन से पता चला, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाम से पता चल रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? कितनी देर आपकी कोई बॉडी है, यानी कि प्रोजेक्टाइल है, वो हवा में रहा, फ्लाइट में रहा, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इट इज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी देर हवा में रहा? देखो आपने यहां से फेंका और यहां से हवा में, अभी तक नीचे नहीं गिरा। तो स्ट्राइक हुआ जब जाके, तब वो ग्राउंड को टच किया। तो जहां से फेंकने से लेके ग्राउंड के टच करने के बीच बीच में वो हवा में ही रहा। तो कितनी देर वो हवा में रहा, कितनी देर वो फ्लाइट में रहा, उसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। बात समझ आ रही होगी? तो मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? दैट इज टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू सी। ओ से लेके सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, उसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखते किसके साथ है इसको? कैपिटल टी के साथ लिखते हैं। सेकंड पॉइंट पर पढ़ रहे हैं अभी हम, एग्जाम में आता है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये सारी चीजें इस तरह से पूछते हैं आपके एग्जाम में।
तो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, टाइम ऑफ लाइफ स्टेटमेंट समझ आ गई होगी, ये भी पता चल गया ओ से लेके सी तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल टी के साथ लिखते हैं। अब यहाँ भी वेकेशन कौन सी यूज होगी, वही वाली। देखिए बॉडी कैसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो जहां पे हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्टिकली नीचे आ रही है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पे वाई इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन अपन टू ए वाई टी स्क्वायर। अभी अभी हम देख के आए थे वाई नॉट क्या होता है, हमारा इनिशियल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पास ट्रेवल किया वो जीरो है, यू वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कौन सी, वर्टिकल वेलोसिटी, वाई का मतलब वर्टिकल, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी जीरो, वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी हमारी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जो नीचे की तरफ बॉडी आ रही है नीचे की तरफ गिर रही होती है तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, इसलिए जो एक्सेलरेशन मिलती है वो कौन सी मिलती है आपको जी मिलती है। ए वाई कितना मिलेगा आपको जी, ये समझना जरूरी है। और टाइम ओ से लेके सी तक जाने में टाइम कितना लगा, कैपिटल टी लगा, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और हाइट कितनी है, मान लीजिए ओ से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है आपकी एच है, तो हाइट कितनी है बॉडी ने, यानी कि पाथ इसको, ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया एच किया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया एच, तो वाई कितना मान लिया हमने एच मान लिया। ये सारे टर्म्स हमें यूज करनी है इक्वेशन में अपनी, क्या इक्वेशन थी हमारी y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस वन अपन टू ए वाई इंटू टी स्क्वायर थी। वैल्यूज पुट कर दो, y कितना है अपना बताओ मुझे, y कितना था हमारा h था, इसकी जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा h इक्वल्स टू वाई नॉट क्या था जीरो प्लस यू वाई कितना जीरो इंटू कैपिटल टी हो जाएगा प्लस वन अपन टू ए वाई कितना है आपका जी है इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, बचा क्या अपने पास बताओ मुझे फटाफट, एच इक्वल्स टू वन अपन टू जी टी स्क्वायर बचा। हमें चाहिए क्या, टाइम चाहिए, टी चाहिए, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसको एक तरफ रखते हैं बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ, टू को इधर भेज दो जी को भी इधर भेज दो, क्या हो जाएगा टू एच अपॉन जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू एच अपॉन जी इक्वल्स टू टी, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। क्या ये बात सभी को समझ है, अगर सभी को समझ आ गई से यस, अगर किसी को डाउट है तो लिखो डी। तब तक हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज। यस सर मुकुल से यस, निशा से, निशा है ना, हाँ निशा से यस, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। थर्ड देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला टॉपिक समझोगे तो अगला वाला इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो तभी समझ जाएगा इस टॉपिक को समझोगे आपने, ये बात ध्यान में रखनी है। अपने फ्रेंड्स को भी बता दें सारे को, मंडे को जो हम डिस्कस करेंगे इट विल बी डिफिकल्ट देन दिस वन, वो तभी समझ जाएगा, वो इजी तब लगेगा अगर ये समझ आया होगा तो। यस सर ओके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नाम से पता चल रहा है रेंज यानी कि डिस्टेंस। तो जब आपने बॉडी को फेंका ऊपर से और वो नीचे आके गिरी तो उसने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी तो कवर किया है, ऐसे थी वो, इधर से फेंका आपने इधर आके गिरी, तो यहां से लेके जो जहां तक डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इसी को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको लिखते हैं कैपिटल आर से। तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस जो बॉडी ने ट्रेवल किया जब वो कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम में, यानी कि वो जब तक हवा में रही उस टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आपका होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। ध्यान से सुने, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल किया जाता है किसके द्वारा, प्रोजेक्टाइल के द्वारा, कब, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, जब तक वो हवा में रही, हवा में रहने में उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर किया, दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल रेंज। किसके साथ लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, किसके साथ लिखते हैं इसको, कैपिटल आर के साथ, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय
denoted by capital R. Horizontal range की बात हो रही है तो आपको कौन सी equation use करनी पड़ेगी, x वाली यानी कि horizontal वाली, समझ आ रही है बात, x वाली equation use करनी पड़ेगी, तो करते हैं use, कोई problem वाली बात नहीं है। कौन सी equation जाने की, x equals to x naught plus u x t plus 1 upon 2 a x t square। आज बच्चे भी कम आया, मैंने कल का बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, तो कोई 15 बच्चे आए हैं टोटल आज, कोई बात नहीं, मेरा क्या है। तो ये पाथ कितना ट्रेवल किया उसने, आर ट्रेवल किया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है, यानी कि ये आपका ये है, ऐसे करके कोई बॉडी को फेंका, सी पॉइंट पे आके गिरी, और ये कौन सा था आपका, ओ पॉइंट था आई थिंक, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस उसने टाइम ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक्स यानी कि कितना पाथ ट्रेवल किया उसने, एक्स इक्वल्स टू आर। बात समझ आ रही होगी तुम लोगों को, और कितने टाइम के लिए जो वो फ्लाइट में रही थी, कितना टाइम लगा यहां से लेके यहां तक आने में, यानी कि आर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, कैपिटल टी, और कैपिटल टी क्या है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट है। इस बार ये जो ए एक्स है, ये जो आपका ए एक्स है, ये कितना होगा, जीरो होगा, क्यों, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, और हॉरिजॉन्टल में आपको पता है वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहती है, चेंज नहीं होती, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, कौन सी, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ax कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ux, बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दी थी वेलोसिटी u के साथ, यानी कि ux कितना हो जाएगा आपका, u हो जाएगा, तो ux कितना है, u है, और स्टार्टिंग में तो कोई बॉडी ने पाथ ट्रेवल किया नहीं था, तो x नॉट यानी कि इनिशियल पाथ कितना हो जाएगा, जीरो है, x नॉट कितना, जीरो, x नॉट भी जीरो होता है और y नॉट भी जीरो होता है, ये तो आप ध्यान में रखोगे। तो दिस इंप्लाइज x कितना है आपका r, x नॉट कितना, जीरो, यू एक्स कितना, यू, टी कितना, कैपिटल टी, प्लस वन अपन टू ए एक्स कितना, जीरो, मल्टीप्लाई किसके साथ, टी स्क्वायर के साथ हो जाएगा। ये वैल्यू तो पूरी जीरो हो जानी है आपकी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बचा क्या आपने बात, आर इक्वल्स टू यू टी, तो टी की वैल्यू अभी अभी हम ड्राइव करके आए थे, क्या थी, यू टी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने अभी, टू एच अपॉन जी। दिस इंप्लाइज आर को अंदर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जाके स्केयर हो जाएगा उसका, टू एच यू स्केयर अपॉन क्या हो जाएगा, जी। ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, सभी को क्लियर है कि नहीं है, सही है, सर नो, लास्ट टॉपिक आज का, यस सर, यस सर, मुकुल से यस, कैल्विन से यस, मुकुल से क्लियर है सर जी, ओके, लास्ट, ठीक है, तमन्ना ने कहा क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आपको कोई पूछते, ये जो प्रोजेक्टाइल यहां से नीचे की तरफ गिर रहा था, तो कोई आपको पूछे जब प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा था तो बताओ कितनी वेलोसिटी है, जब यहां पे पहुंचा था तो बताओ उसकी कितनी वेलोसिटी है, जब यहां पहुंचा था तो बताओ कितनी वेलोसिटी है, जब यहां पहुंचा तो कितनी वेलोसिटी है, ऐसे करके उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी जब सर्कुलर पाथ हो या कर्व्ड पाथ हो, जैसे ये पत्थर है, ये पत्थर ऐसे करके घूम रहा है गोल गोल, देखना ऐसे गोल गोल, और इसको आपने रस्सी बांधी हुई है, अचानक से रस्सी टूट जाए और पत्थर यहां पहुंचा हुआ था, अगर रस्सी टूट गई तो देखना पत्थर इस तरफ भाग जाएगा, अगर यहां पे पहुंचा हुआ था तो अगर रस्सी टूट जाए, अगर थ्रेड टूट जाए, दिस स्टोन विल मूव इन दिस डायरेक्शन, अगर स्टोन यहां पे पहुंचा हुआ था, अगर थ्रेड यानी कि रोप टूट जाए तो थ्रेड स्टोन इस तरफ भाग जाएगा। बताना क्या चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी आपको कोई डायरेक्शन पता करनी हो एक पॉइंट के ऊपर, जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के ऊपर मूव कर रही होती है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ड्रॉ टेंजेंट ओवर देयर, आपको यहां वहां पे क्या करनी पड़ेगी, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे कोई बॉडी मान लीजिए जहां पे पहुंची है, मैं पूछूं इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगी डायरेक्शन, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आपको इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मतलब कि कर्व्ड पाथ हो आपके पास तो उसके ऊपर अगर आपको डायरेक्शन पता करनी हो कोई बॉडी जो मूव कर रही है, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, पहली बात पता चल गई होगी, ठीक है। वही हमारा ग्राफ है जो हमने बनाया था, ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है जी, बॉडी इस तरह से गिर रही है इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए। अब कोई आपको बोले
कोई बॉडी यहाँ पे पहुंची हुई है तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा आपको मजबूर है डायरेक्शन पता करने के लिए। वेलोसिटी पता करनी है तो उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ा। तो टेंजेंट ड्रॉ किया, मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट कैसा आएगा, ऐसा सिखाया हुआ है, मैंने बोला था ना वेक्टर्स का यूज होगा बार बार, हो रहा है अभी, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता वो। दूसरा वेक्टर कैसा बनेगा, ऐसा। और मान लीजिए इसके साथ एंगल कितनी बन रही है, बीटा। बीटा क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन का पता करना होता है। ये कौन सा कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, वी एक्स जर्की हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा वर्टिकल, तो किससे लिख सकता है इसको, वी वाई। ये कौन से कॉम्पोनेंट्स बनाए मैंने, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स बनाए हैं, किस वेलोसिटी के, इस वेलोसिटी के, इसका नाम रख देते हैं क्या, वी। वी वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे गिर रही थी, समझते हैं यहाँ पे। लेट ए प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी रीच्ड एट ए पॉइंट पी, एट दैट इंस्टेंट टू वेलोसिटीज आर। मान लीजिए जब प्रोजेक्टाइल नीचे गिर रहा था किसने टाइम पे, टी टाइम के ऊपर, मान लीजिए वो किस पॉइंट के ऊपर पहुंचा, पी पॉइंट के ऊपर पहुंचा, उस समय हमें दो वेलोसिटी देखने को मिलेगी, एक कौन सी है हमारी बी एक्स और दूसरी कौन सी है बी वाई। इसको हम कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको कौन सी बोलेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी एक्स, जिसको किसके अलोंग है, जो अलोंग पी ए, किसके अलोंग, इस पॉइंट का नाम पी है, इसका नाम दे दो ए, तो ये ए आ जाएगा। और दूसरी कौन सी है, वर्टिकल वेलोसिटी, किसके अलोंग, पी बी के, इसका नाम बी दे दो पॉइंट का, पी बी के अलोंग है। और याद करो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने कितनी बार तो आपको बता चुका हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहती है, यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग से बता रहा हूं कल का। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो याद करो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, यू थी, यानी कि जो वी एक्स की वैल्यू ये कितनी होगी, यू होगी। वी एक्स कितना मानना हुआ हमने, यू मानना हुआ, किसके लॉन्ग, पी ए के लॉन्ग, समझ आ रहा होगा। अब ध्यान से सुने, हमें एक और आइडेंटिटी पता है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अगर मुझे वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है, देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मिल गया है, यानी कि वी एक्स तो मिल चुका है, कितना है, यू है, किसके लॉन्ग है, वी एक्स के लॉन्ग। यानी कि आपको कोई भी पॉइंट के ऊपर, कोई यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे पूछेगा, यू है, यहाँ पे पूछेगा, पूछेगा बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, आप बोल देना आंखें बंद करके यू है। क्यों है, कोई पूछेगा क्यों यू है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रहती है इस केस में। अगर 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ पे भी 10 होगी, कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो यानी कि वी एक्स तो मिल चुका हमें, यू है, जिस जो किसके लॉन्ग है, पी ए के लॉन्ग, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती है, इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो मुझे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला पता है, तो मैंने क्या लगाया, वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए थी, तो वी वाई इक्वल टू क्या यूज किया मैंने, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी फॉर्मूला यूज कर लिया। वर्टिकल के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, जीरो थी, यानी कि यू वाई कितना है, जीरो, तो ये तो आपका हो जाएगा जीरो। तो वी वाई कितना आ जाएगा आपका, जी टी आ जाएगा। जी टी क्यों, क्योंकि ए वाई कितना है आपका, जी कितनी बार बता चुका हूँ, क्योंकि बॉडी नीचे गिर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो यानी कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से बनेगी, ग्रेविटी की वजह से बनेगी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन क्यों, तो ग्रेविटी। ए वाई कितना आ जाएगा आपका, जी, तो वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा। ये आ गया आपकी वर्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो लिखा हुआ वी वाई कितना आ गया आपका, जी टी। इतनी सी बात सभी को समझ आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा तुम लोगों को। एंड ओवरऑल वेलोसिटी का इफेक्ट देखते हैं, आपने याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, याद आ रहा है कुछ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, याद आया कुछ। ये देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल कितनी, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और ये है आपका रिजल्टेंट बीच वाला, जिसको हम वी के साथ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए की जगह क्या है, वी एक्स, और बी की जगह क्या है, वी वाई। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, अगर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री होती है, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, ये तो हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जीरो। तो बचा क्या हमारे पास, आर इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पता चला ना मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो कॉस 90 कितना होता है,
जीरो होता है, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है हमारा, वी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, क्योंकि बी कितना है, वी वाई का स्क्वायर। तो v कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कितना था हमारा, यू था, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी वाई, अभी निकाला कितना था, जी टी था, तो जी टी का स्क्वायर। ओपन कर दो ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, कौन सी, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, पी पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी है प्रोजेक्टाइल की, निकालने का तरीका। और डायरेक्शन भी पता कर सकते हो टैन बीटा लगा के, टैन बीटा लगा दो, बीटा क्या है, ये क्या होता है, बीटा ऑपोजिट साइड अपन एडजेसेंट साइड, जब परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहां पे ऐसे करके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे, ऐसे करके मैं यहां पे अलग से डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, देखो कैसी थी, ये पॉइंट पी था, ऐसे करके बॉडी नीचे आ रही थी, यहां पे हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया जिसकी वेलोसिटी वी थी, और एक कंपोनेंट ये बना, दूसरा कंपोनेंट ये बना, और यहाँ पे एंगल बीटा, मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर ली, और ये कौन सा था वी वाई, ये कौन सा था वी एक्स, टेन बीटा लगा रहा हूं तो क्या आ जाएगा, ये क्या है वी वाई हो जाएगा, ये भी, तो क्या हो जाएगा वी वाई अपन वी एक्स, तो टेन बीटा कितना हो जाएगा, वी वाई अपन वी एक्स हो जाएगा। आपको बीटा चाहिए तो टेन उस तरह भेजो तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई अपन वी एक्स हो जाएगा। तो वी वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, टेन इनवर्स वी वाई की वैल्यू कितनी है, जी टी है, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है, यू है, और ये आ गया आपका बीटा, यानी कि डायरेक्शन। किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है फटाफट, अगर नहीं है डाउट तो तब भी ठीक है, तो क्लियर है तो से क्लियर है, अगर डाउट